गुड आफ्टरनून, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है हेल्थ सेंटर, इकबालपुर हेल्थ सेंटर, जहां पर ईश्वर संकल्प नाम से एक एनजीओ, एक ऑर्गेनाइजेशन रन होता है जो कि मेंटली डिस्टर्ब जो पेशेंट होते हैं उनको लेकर के ये लोग काम करते हैं, अवेयरनेस का काम करते हैं और काउंसलिंग, तमाम मेडिसिन, तमाम चीज़ों का जो है काम होते आ रहा है यहाँ पर, होता आ रहा है। और आइए, आज यहाँ पर इनके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, कैफ़े क्रस्ट क्रस्ट एंड कोल्ड, ये कैफ़े जो है, ये इनिशिएटिव ये लिया गया है कि यहाँ पर जो है तमाम जो मेंटली डिस्टर्ब और जो लोग घर में डोमेस्टिक वायलेंस और तमाम चीज़ों से जो महिलाएं जो ये होती है प्रभावित होती है, उन लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग करने के बाद उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है, उन लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है और उन्हें इस ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो लाइफ में खुद से कुछ ना कुछ कर पाएँ और अपने आप को खुद आत्मनिर्भर बना पाएँ। आइए देखते हैं यहाँ पर जो है एक तरीके का जो प्रोग्राम है, आज तमाम जो कैफ़े जो लोग यहाँ पर बेकरी के कोर्सेज सीखे उनको फेलिसिटेट किया जा रहा है। आइए क्या है डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं यहाँ पर कि ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पेस्ट्रीज जो है यहाँ पर रखी हुई है और ये देखिए ये तमाम जो है सुपर वुमेन कह ले एक तरह से कि तमाम सुपर वुमेन यहाँ पर मौजूद हैं। और ये केक को काट कर ये लोग खुद अपने से, जो कि देख सकते हैं तमाम महिलाएं, ये लोग खुद से ही ये पेस्ट्रीज, ये केक्स को बना रही हैं। और अपनी खुशी का इजहार केक काट कर ये लोग मना रही हैं। देखिए स्टार्ट तमाम महिलाएं, वुमेन एम्पावरमेंट की जो लोग बात करते हैं उनके लिए जीता जागता मिसाल ईश्वर संकल्प। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑलमोस्ट 2015-16 से जानता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से काफ़ी ही काम करती है, बुनियादी काम करती है, ज़मीनी सतह से काम करती है। आप देखे होंगे रास्ते में जो लोग मेंटली डिस्टर्ब लोग घूमते हैं उन्हें लाकर हाइजीन कर उन्हें दोबारा उनके इलाज करा कर उन्हें रिहैबिलिटेट करके दोबारा उन्हें जो है उनके घर पहुँचाया जाता है। तो देख सकते हैं आप जो महिलाएं जो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होती है, मेंटली डिप्रेस रहती है, उन्हें भी लाते हैं, उन्हें भी काउंसलिंग करते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो और अपना एक अलग मकाम दुनिया में हासिल करे। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी जो है, देखिए ये देखिए पिज़्ज़ा और खूबसूरत केक, तमाम अच्छी अच्छी डिशेज जो है स्नैक्स इन्होंने बनाया है यहाँ पर तमाम महिलाएं। आइए मैं यहाँ की जो मैम है नवनीता दी उनसे बात करते हैं। दीदी ये प्रकल्पटा की करे स्टार्ट करा हुई थी, ईश्वर संकल्प काज करे 2012 साल থেকে, আমি কি হিন্দিতে বলবো? যা যা ইচ্ছে বলতে পারেন। 2012 সাল থেকে 2012 সাল থেকে ঈশ্বর সংকল্প কাজ করে মেন্টাল হেলথ নিয়ে। মানসিক স্বাস্থ্য এমনই একটা জিনিস যে বিষয়টা নিয়ে বিশেষ মানুষ কাজ করে না, তো সেখানে ঈশ্বর সংকল্প এই গৃহহীন মানুষ যারা রাস্তায় থাকে, যাদেরকে আমরা তথাকথিতভাবে পাগল বলে থাকি, সেই মানুষগুলোর সাথে কাজ করে থাকি। এর পাশাপাশি আমরা আমাদের কলকাতা কর্পোরেশনের সাথে 6টা হেলথ ইউনিটে কাজ করি, তার মধ্যে 78 নম্বর হেলথ ইউনিটও একটা, যেখানে আমরা 2013 সাল থেকে কাজ করছি, ফ্রম 2013 हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो होता है, जैसे जिसका घर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो महिलाएं और पुरुष भी हैं जिसका मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है, जैसे मन खराब होता है, जैसे रात को नींद नहीं आना, जैसे बहुत सारे एंग्जाइटी प्रॉब्लम है, बहुत सारे गुस्सा होता है, ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम है जिसको यहाँ पे आते हम लोग का काउंसिलर्स है। हम लोग फैमिली प्रॉब्लम्स भी होने के वजह से, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से होता है, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से होता है, बहुत सारे कारण है जिसके लिए इंसान एक जगह बैठ जाता है और वो आगे बढ़ने का उसका हिम्मत हार जाती है।
तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग का यहाँ पे काउंसलिंग अपॉर्चुनिटीज है और हम लोग बहुत सारे ऐसे थेरापीज भी देते हैं जिसमें इन लोगों को अपना मनोबल फिर से वापस आए और ये लोग आगे बढ़ सके। आप लोगों का एक ओल्ड एज होम भी है चेतला में? हम लोगों का एक्चुअली दो, हम लोगों का चेतला में एक ऐसे होम है जहाँ पे जो एकदम होमलेस मेंटल इल पर्सन है जिसको पुलिस रिफर करते हैं, करीबन 80 ऐसे इंसान है, होमलेस पर्सन है जो हम लोगों के चेतला में रहते हैं। और दूसरा एक है नॉर्दर्न पार्ट में जो पुरुष का है, वहाँ पे 30 से 35 ऐसे पुरुष है जो वो उसमें वो भी वहाँ पे रहते हैं। तो हम लोगों का दो होम है। इसके अलावा हम लोगों का क्रस्ट एंड कोर, जिसका ये सेलिब्रेशन यहाँ पे हो रहा है, क्रस्ट एंड कोर बोल के हम लोगों का एक कैफ़े है, ये है 19/3 पीताम्बर घटोक लेन चेतला में ही है। ये क्रस्ट एंड कोर में हम लोग कोशिश करते हैं इन लोगों को पूरा बेकारी ट्रेनिंग दे और बेकारी ट्रेनिंग दे के ये लोग अपना खुद से वहाँ पे बनाते हैं वहाँ पे और सर्व करते हैं। हम लोग स्विगी जोमेटो में भी है, कोई भी घर में ऑर्डर करे तो क्रस्ट एंड कोर से उनका जो भी सामान है, पिज्ज़ा है, ये लोग सबसे ज़्यादा बोल पाएंगे क्या क्या है, केक्स है और ब्राउनीज है, जो तमाम अच्छे अच्छे जगह पे मिलता है वो हम लोगों के क्रस्ट एंड कोर में। तमाम ये जो महिलाएं जो प्रताड़ित रहती है उनको ला करके आप लोग उनको काउंसलिंग करके और इस तरीके का ट्रेनिंग वगैरह देती हैं ताकि लोग खुद ब खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। और इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे महिला ऐसे हैं जो ये सीख के अभी खुद अपने बिजनेस कर रही है, इसको ऑर्डर मिलता है केक का, पिज्ज़ा का, बाकी जो ये बेकरीज आइटम्स का, ये लोग खुद अपना बिजनेस भी स्टार्ट। इन लोगों को भी कुछ फाइनेंशियली आप लोगों की तरफ से वो सपोर्ट रहता है? सब्सिडी? देखिए, फाइनेंशियली सपोर्ट हम इनिशियली पहले मेंटल सपोर्ट देते हैं, पूरा उसको मेंटल सपोर्ट देते हैं। इसके बाद ये जो 6 महीने का कोर्स होता है उसमें हम लोग इंसेंटिव्स देते हैं इनको, तो इंसेंटिव्स देके ये धीरे धीरे ये सीखने लगते हैं और इसको इंसेंटिव्स भी मिलता है। उसके बाद पूरा कोर्स ख़त्म होने के बाद आज हम लोग इसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये 10 जो महिला है ये पूरा ख़त्म कर लिया है ये कोर्स और बहुत अच्छे से पास कर लिया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी खुद से बिजनेस बना के ये आगे बढ़ रहे हैं। कौन जिनको सर्टिफिकेट दिए गए थोड़ा एक बार दिखा सकते हैं? सर्टिफिकेट तो आपको बता दूं, यहाँ ईश्वर संकल्प में जो के तमाम जो के महिलाएं हैं ख़ास तौर पर जो मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं उनको ही जो के यहाँ पर सर्टिफाइड किया जा रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। अपना रूल तो अच्छे किस वजह करूँगी हाँ। ये यहाँ देखिए তো দিদি এখানে কারা কারা মানে কোর্সগুলো কমপ্লিট করেছেন আর যারা আপনি বললেন যে কয়েকজন মহিলা আছে যারা নিজেই থেকেই এখন কাজ করছে এখানে স্বামীমালি আপনি একটু সবার নাম পরিচয় করিয়ে দিন। কাকলি সরকার, হালিমা আলম, সাবানা খাতুন, সাবানা বেগম, তাবতানু তানভীর, আলিফিয়া জানাব, ফিয়া জানাব, তমন্না পারভীন, গোপা সরকার, গোপা কর, সাজাদী খাতুন, শ্যামলী দত্ত, मेरा होम बेस बेकरी है, घर से ही मैं केक बनाती हूँ, ऑर्डर्स लेती हूँ। किस तरीके का पेस्ट्रीज और केक्स बनाती हूँ? यहाँ पर कुछ लेके हैं क्या? जी, ये वाला मेरा है। अच्छा, ये वाला आपने ये केक बनाया है। अच्छा, तो क्या प्राइस वगैरह रहता है, सेल होता है, थोड़ा बता दीजिए ताकि प्राइस बता दें। जी, एक पाउंड का 500 से स्टार्ट है मेरा। अच्छा, सारे तरीका का केक बनाती हूँ, वेडिंग केक भी बनाती हूँ, रिसेप्शन केक। क्या नाम से कुछ? जी मेरा पेज है एक, बेक मी अ विश। ये आपको अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कहाँ पर कांटेक्ट करें? जी, इंस्टाग्राम में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू आप सेल कर रही हैं? जी। स्विगी जोमेटो वगैरह नहीं कराए क्या? नहीं, अब तक तो नहीं है। कितने दिनों से कर रही हैं मैम आप लोग? वन एंड हाफ ईयर। तो ये जो ईश्वर संकल्प में जो आप आई और आपको इन सब तमाम चीज़ों का जो कोर्सेज वगैरह कराया गया, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, किस तरीके का काम? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हेल्पफुल था, अपना एक खुद का पहचान बनाने में बहुत हेल्प मिला है मुझे इस चीज़ से। आज मैं जो भी कर रही हूँ तो उसमें
डेफिनेटली क्रश एंड कोर का बहुत बड़ा हेल्प है, क्योंकि उसकी वजह से मैं सीखी हूँ। बेसिक जो मुझे नॉलेज मिला है वो क्रश एंड कोर से ही मिला है। आज कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ी हैं। जी जी जी, अच्छा, एक प्राउड महसूस होता जी, होगा। जी जी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्राउड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और भी कोई, आप बताइए। जी, मैं हलीमा आलम, और मैं भी यहीं से कोर्स कंप्लीट की हूँ। अच्छा, और घर से अभी थोड़ा बहुत मैंने कर रही हूँ। क्या क्या चीज़, क्या क्या आप आइटम्स वगैरह बनाती हैं? मैं केक, कुकीज़, ब्रेड्स, जितने सारे ब्रेड्स का आइटम वो करती हूँ। यहाँ पर कुछ बनाती हूँ। यहाँ ये कुकीज़ है, ये मसाला ब्रेड है। अच्छा, ये मसाला ब्रेड, ये तमाम चीज़। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, देख कर भी बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। जी जी। तो कितने दिनों से आप काम कर रही हैं? अभी तो फिलहाल मैं साल भर से कर रही हूँ। मैंने कब से जुड़ी हुई थी आप? वो 2015 से तो मैं यहाँ जुड़ी हूँ, लेकिन जो बेकरी का जो मैंने ये सीखा तो वो मैंने 2021 से। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। बहुत कुछ, बहुत बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा। आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। जी, आत्मविश्वास आता अपने। जी जी जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो देख सकते हैं यहाँ बच्चियाँ भी है, उनसे भी बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर ईश्वर संकल्प के साथ? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हसुल रहा है। एक तो ये लाइक बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आज हम कर सकते हैं। सिर्फ देख नहीं सकते, देख कर अच्छा लगता था सब जगह, बट अब हम वो सब चीज़ खुद से बना सकते हैं। हाँ जी। क्या क्या बनाए अभी तक, थोड़ा कुछ बताएं? अभी तक हम केक्स बनाते हैं, ब्राउनी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, एंड ऑल टाइप्स ऑफ ब्रेड, ऑल टाइप्स ऑफ कुकीज, एंड लाइक एंड ऑल टाइप्स ऑफ केक्स एज वेल। सो आर यू प्लानिंग टू गो फॉर ऑनलाइन सेल? यस, ऑब्वियसली। सो आई एम प्लानिंग दैट। ओके, अब बेस्ट विशेस विद यू। वो स्टूडेंट अच्छे, स्टूडेंट्स अच्छे। अच्छा, आप स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टैंडर्ड में? वेल, आई एम डूइंग माय फर्स्ट ईयर इन बीकॉम। ओके, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो है महिलाएं जो हैं, एक तरह से देख लें बच्चियां हैं, और अलग अलग यंग एज के भी हैं, और देख सकते हैं जो काफ़ी सारे जो है महिलाएं मिल करके जो काम कर रही हैं। मैं अपने तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा और अपील भी करूंगा कि इन्हें सपोर्ट करें, और इनके वेबसाइट्स और इनके पेजेस पर जाएं, इन्हें ऑर्डर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इन्हें सपोर्ट करें। फिलहाल हमें दे इजाज़त। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से, दी लोकल जर्नलिस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और भी इसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग, ज़मीन से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।